इस कचौरी का खस्ता करारापन देखकर आ गया ना मुंह में पानी। मेरी गारंटी है अब आपसे भी हलवाई जैसी कचौरी घर में आसानी से बन जाएगी, पर रेसिपी के सभी टिप्स को फॉलो करना होगा। हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे खस्ता मटर कचौरी। इसमें मैंने एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला है, इसकी वजह से स्टफिंग का टेस्ट बढ़ गया है। और मैं ये भी बताऊंगी आटे को कैसे आप कम मेहनत में गुथे और एकदम खस्ता करारी कचौरी बन जाए। एक बर्तन में 3 कप मैदा छान कर ले लीजिए। मैंने ये कप यूज़ किया है, ये कप 125 ग्राम का है। अब इसमें ही डाल दीजिए 1/8 teaspoon बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा कहते हैं। 1 teaspoon या फिर स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। मैंने सेंधा नमक डाला है, आप नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं। 6 tablespoon घी, घी के बदले आप वनस्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर तेल भी यूज़ कर सकते हैं, पर घी से इसमें खस्ता करारापन ज़्यादा अच्छा आता है। ध्यान रहे घी लें या फिर तेल लें, दोनों को भी गर्म नहीं करना है, ठंडा ही डालना है। मैदे और घी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैदे के एक एक कण में घी लग जाना चाहिए, इसकी वजह से ही कचौरी बहुत खस्ता और करारी बनती है। मैदे में इतना घी होना चाहिए कि अगर आप उसे बांध कर देखें तो आसानी से इसका लड्डू बन जाए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और मैदे को कंबाइन करके रख दीजिए। अभी हमें आटा नहीं गूंथना है, पानी और मैदे को कंबाइन करके रखना है। पर इस समय आप ध्यान से पानी डालें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, पर हमें आटा थोड़ा सा गीला ही रखना है। रोटी का आटा जैसा रहता है उससे थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है। पानी और आटा मिलाए हुए आटे की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिए। मटर कचौरी की स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन में 2 चम्मच तेल गरम कर लीजिए। जैसे ही तेल गरम हो जाए इसमें डाल दीजिए 1/4 teaspoon हींग, और साथ ही डाल देना है 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च और जीरे का पेस्ट, या फिर हरी मिर्च और जीरे को कूट कर डालिए। अगर इस तरह से कूट कर डालेंगे तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। इसे बीच बीच में चलाते रहिए और साथ में ही डाल देना है 1 बड़ा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक। अदरक डालने से कचौरी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अदरक को अवॉइड मत कीजिए। और अगर आप चाहें तो इसमें ग्रेट किया हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला है। और अब डाल देना है 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ, 1 चम्मच सौंफ कुटी हुई। सौंफ और धनिया को इस तरह से कूट कर डालिए, ग्राइंड करके नहीं डालना है। लो फ्लेम पर 1 मिनट तक भून लेना है। भून जाने के बाद इसमें डाल दीजिए 1/4 teaspoon हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और अब डाल देना है 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। अगर आपने कुटा हुआ धनिया नहीं डाला है तो धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालिए। 30 से 40 सेकंड तक भून लेना है। और अब इसमें 3 बड़े चम्मच डाल दीजिए बेसन। इसमें ये सीक्रेट इन्ग्रीडियंट है, बेसन की वजह से कचौरी का टेस्ट भी बढ़ जाता है और ये मटर को कंबाइन करके रखता है, इसके लिए स्टफिंग में प्रॉब्लम भी नहीं होती है। बेसन को लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। बेसन भून जाने के बाद आप इसे एक बर्तन में निकाल कर फ्रिज में 8 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, बिना मटर के रख सकते हैं। जब भी आपको मटर की कचौरी बनानी है, मसाला निकालिए, मटर को ग्राइंड कीजिए, मिक्स करके गरम कर लीजिए और तुरंत ही बना लीजिए मटर की कचौरी। पर मैं इसे अभी आपको कचौरी बनाकर दिखा रही हूँ। मसाला तो रेडी हो गया है, चलिए अब देख लेते हैं मटर को कैसे कुक करना है और इसे मसाले में कैसे मिक्स करना है। एक बर्तन में डाल दीजिए 2 कप मटर और थोड़ा सा नमक और पानी। पानी हमें 2 कप मटर में सिर्फ 1/4 कप डालना है।
मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मिक्स कर लीजिए, ढककर लगभग 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक होने दीजिए, या फिर मटर जब तक बॉईल ना हो जाए तब तक कुक कर लेना है। बीच बीच में 1 से 2 बार ओपन करके चलाते रहिए। अगर आपको लग रहा है पानी कम हो गया है, थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं, पर 1/4 कप पानी में ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी। चलिए चेक कर लेते हैं मटर अच्छे से सॉफ्ट हो गई है या नहीं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल इसी तरह की मटर चाहिए। अब ले लीजिए पोटैटो मैशर या फिर कटोरी। मटर बहुत अच्छे से कुक हो गई है इसलिए मैश हो जाएगी, पर अगर आप चाहें तो इसे ठंडा करके ग्राइंड भी कर सकते हैं, पर ध्यान रहे ग्राइंड करते समय इसे दरदरा ही ग्राइंड करना है। ग्राइंड किया हुआ मटर भी हमें इसी तरह की कंसिस्टेंसी का चाहिए। अगर मटर को आप ज़्यादा ग्राइंड कर देंगे उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है, इसलिए कभी भी मटर को दरदरा ग्राइंड कीजिए और उसकी कचौरी बनाइए, टेस्ट बढ़ जाएगा। मैश किए हुए मटर में रेडी किया हुआ बेसन का मसाला डालिए और अब इसमें डाल दीजिए स्वाद अनुसार आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है, नींबू का रस यूज़ कर सकते हैं। सभी इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स कर लीजिए, फ्लेम को लो कर दीजिए। 2 से 3 मिनट तक हमें इसे और कुक कर लेना है, और कुक करने से बेसन बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा और स्टीम की वजह से थोड़ा सा गीला भी हो जाएगा। लास्ट में डाल दीजिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला आप अपने पसंद का कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम बंद कर दीजिए, स्टफिंग को ठंडा करके इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के रख लीजिए, या फिर आपको जितनी बड़ी कचौरी बनानी है उस हिसाब से आप बॉल्स बनाकर रख सकते हैं। अब तक आटा सेट हो चुका होगा, अब इसे 2 से 3 मिनट तक और गूंथ लेना है, इससे आटा चिकना हो जाएगा। देखा आपने कितने कम मेहनत में कचौरी का परफेक्ट आटा रेडी हो गया है। जितनी बड़ी आपको कचौरी बनानी है उस हिसाब से लोई बना लीजिए और इस तरीके से फैला लीजिए। इसे बेलना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। कभी भी कचौरी बनाते समय हाथों से इसे फैला लीजिए, उंगली और अंगूठे की सहायता से बहुत ही आसानी से ये फैल जाता है। अगर आपने आटा हार्ड गुथा होगा तो इस प्रोसेस में प्रॉब्लम होगी, इसलिए आटे को सॉफ्ट गुथना है। इतना बड़ा हो जाने के बाद इसमें स्टफिंग की बॉल्स रखिए और ऊपर से बंद कर दीजिए। कचौरी बनाने की इस प्रोसेस को ध्यान से देखिए, अगर ये अच्छे से बंद नहीं होगा तलते समय ओपन हो सकता है। सभी तरफ से बंद कर लेने के बाद एक्स्ट्रा आटे को हमें निकाल देना है। इस तरह से लोई को घुमाइए, मींस स्टफिंग वाली लोई को घुमाइए, ऊपर का एक्स्ट्रा आटा घुमाते हुए निकाल देना है। इससे कचौरी बहुत अच्छे से सील हो जाती है, तलते समय ओपन नहीं होती है। अब हथेली से या फिर उंगलियों से इसे फैला लेना है, पर बेलना नहीं है। 4 से 5 कचौरी बनाकर रख लेना है और ऑयल गरम होने देना है। 4 से 5 कचौरी जब तक तलेगी तब तक आप साथ में दूसरी कचौरी रेडी कर सकते हैं, इससे आपका टाइम भी बच जाएगा, साथ ही कचौरियाँ फटाफट बन जाएगी। किसी भी तरह की कचौरी तलते समय ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कितने हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह का तेल हमें चाहिए। अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा तो कचौरी बहुत जल्दी से ऊपर से कलर तो चेंज कर देगी पर अंदर तक कुक नहीं होगी और ना ही खस्ता और करारी बनेगी। किसी भी तरह की कचौरी को एकदम हल्के गरम तेल में ही तलना होता है। अगर आपको लग रहा है तेल ज़्यादा गरम हो गया है, फ्लेम को बंद कर देना है और फिर से आप फ्लेम को ऑन कर सकते हैं, या फिर इस तरह से मेरी तरह से 1 से 2 कचौरी और डाल दीजिए, तेल अपने आप थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, तेल का टेम्परेचर कम हो जाएगा और कचौरी धीरे धीरे कुक होगी। जब कचौरी फ्राई हो रही है चम्मच की सहायता से,
उसके ऊपर तेल डालते जाइए। इससे कचौरी बहुत अच्छे से गोल हो जाती है और फूल जाती है। पलटने के बाद भी आपको सेम प्रोसेस करनी है दोनों तरफ से। इस तरह से करने से कचौरी बिल्कुल गोल गोल बनती है, जैसी हलवाई की होती है बिल्कुल वैसे ही। अगर आप आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट गूंथेंगे तो ये धीरे धीरे कुक होगी। धीरे धीरे कुक होने के कारण ही ये करारी और खस्ता बनती है। आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ से फ्राई हो जाने के बाद पलट दीजिए और जब आपको लगने लगे दोनों तरफ से हल्का सा कलर चेंज हो गया है, कचौरी लगभग कुक हो गई है, फ्लेम को बढ़ा दीजिए। कलर चेंज होने तक मीन्स थोड़ा सा ज़्यादा गुलाबी होने तक इसे कुक कर लेना है। फ्लेम को थोड़ा सा ज़्यादा रखिए लास्ट में, इससे कचौरी में बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं सोख होता है। इसी तरह की और भी रेसिपीज देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। लीजिए तैयार है खस्ता करारी कचौरी। गर्मा गर्म तेल में से निकालते जाइए, पेपर टॉवल पे रखिए, एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा और इसे किसी भी चटनी के साथ या फिर चाय के साथ सर्व कीजिए। लास्ट में हमने फ्लेम को हाई कर दिया था, इसकी वजह से तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है। जब आप कचौरी का सेकेंड बैच इसमें डाल रहे हैं फ्लेम को बंद कर देना है। 1 से 1.5 मिनट वेट कीजिए, हल्का सा ठंडा होने के बाद इसमें कचौरियाँ डालिए, उसके बाद फ्लेम को ऑन कीजिए और सेम तरीके से हल्के गर्म तेल में कचौरियाँ तल लीजिए। मुझे उम्मीद है अब आप भी मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स से बिल्कुल हलवाई जैसी कचौरी घर में बना सकते हैं। आप इसे कब बना रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए। ये जो स्क्रीन पर आपको दो रेसिपीज दिखाई दे रही हैं, इनमें से जो भी आपको पसंद है क्लिक कीजिए, मैं वहाँ आपका वेट कर रही हूँ। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।